आज ये जन जागरण अभियान के तहत जो नागरिकता संशोधन कानून संसद में पास हुआ है उसको लेकर आज हम इतनी संख्या में यहाँ उसके समर्थन में इकट्ठे हुए हैं। तो आज जिला स्तर पर ये आज कार्यक्रम है जो संसद में CAA बिल पास हुआ है और उसके खिलाफ जो विपक्षी लोग हैं गलत प्रचार फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और जो सार्वजनिक संपत्ति है उनका नुकसान करने का काम कर रहे हैं वे बिल्कुल गलत है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश हित के लिए जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको नागरिकता देने के लिए जो छह धर्मों के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, तो उनको नागरिकता देने के लिए बिल पास हुआ है तो उसके समर्थन में आज ये आम इकट्ठे हुए। कल एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया, क्या कार्रवाई थी, क्या कुछ हुआ? राजौंद में देखिए ये लोगों की शिकायत थी, राजौंद में बिल्कुल बुरा हाल था, जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और मैं तो कल उधर से आ रही थी तो मैंने आते आते सोचा मैं अपना मेरा हल्के का गांव है, बड़ा गांव है, नगर पालिका है, तो मैंने वहाँ नगर पालिका में देखा, तहसील में देखा और जो बिजली बोर्ड का हमारा ऑफिस था उसमें देखा तो वहाँ पर अधिकारी बहुत ही संख्या में मौजूद थे। जो मौजूद थे वो भी बाहर खड़े थे चलने के लिए तो उसमें बहुत सारी खमियाँ पाई गई और जो लोगों की मैं सुन रही थी एक डेढ़ महीने से शिकायतें तो वहाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार भी और बिल्कुल अनदेखी भी, लोगों की बिल्कुल सुनवाई नहीं होती और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं तो इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। चार कर्मचारी तो मैम अब तो पूरे हरियाणा की मंत्री हैं, कैथल में भी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देंगे जो लापरवाही बरतना? देखिए बिल्कुल करेंगे, चाहे हमारा कैथल है कोई और भी डिस्ट्रिक्ट है, और कैथल में भी मैं पहले भी कहा था जब मीटिंग ली थी भी जो अधिकारी अनदेखी करेंगे जनता की उसका तो परिणाम यही होगा। तो और मैं इस उद्देश्य से नहीं गई थी मैंने सस्पेंड करना है, मैं तो यूँ भी चेक करेंगे देखेंगे लोगों का कितना क्या काम कर रहे हैं, तो ये तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है अधिकारी काम करें जनता के लिए, तो इसलिए वहाँ गई थी तो अधिकारी नहीं मिले तो उनको ये रोडवेज की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, कल कर्मचारी चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, कैसे कल मसाल जुलूस भी निकाले? डिटेल में तो जिसके पास डिपार्टमेंट है हमारे मंत्री जी डिटेल में तो वो बताएंगे, तो मुझे तो जितना संज्ञान है मुझे तो अखबार में ये पढ़ा था कि हड़ताल नहीं हो रही। JNU प्रकरण पे क्या? JNU के अंदर हमला हुआ विद्यार्थियों के ऊपर और हम सबकी सुपरिचित हमारे मध्य की एक कार्यकर्ता और हरियाणा सरकार की मंत्री आदरणीय कमलेश डांडा जी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। मैं समझ कहूं कि जो CAA जो बिल है ये किसी की नागरिकता लेने का बिल नहीं, ये सिर्फ नागरिकता देने का बिल है। और कार्यकर्ता साथियों आज के इस कार्यक्रम में कुछ ही पलों में हमारे बीच में पहुंचने वाली हैं और आप सामने बैकड्रॉप पर चित्र देख रहे होंगे श्री मुकेश गौर जी प्रदेश मंत्री, किन्हीं कारणों से मैं इस जिला के बहुत ही लोकप्रिय विधायक कैथल विधानसभा श्री लीला राम जी हमारे मध्य में, सभी का अभिनंदन और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से हमारे नेतागणों का और आप सब अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। एक जानकारी इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे नेतागण अपने अपने विचार रखेंगे तो हम जो तय कार्यक्रम है वो इस प्रकार से है, हम यहाँ से एक पैदल मार्च मेन बाजार से होते हुए नोता चौक से नरवाणी रेलवे गेट और नरवाणिया बिल्डिंग में जाकर के आज के इस पैदल मार्च को हम समापन करेंगे। से निर्देश होते हैं उसी रचना में हम यहाँ से चलेंगे तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जब तक हमारे मुख्य अतिथि हमारे मध्य पहुंचती हैं मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा नेता
और ब्लॉक और भारतीय जनता पार्टी के जेश और श्रेष्ठ कार्यकर्ता आज जिले का प्रधान जी इधर आ जाओ। बाबा 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 बाबा